बर्सर के बिजड़ी कस्बे में दीनदयाल अंत्योदय समिति द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। इस शिविर में फोर्टिस अस्पताल मोहाली के डॉक्टरों ने लोगों का स्वास्थ्य जांचा। शिविर के दौरान बर्सर उपमंडल के सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। समिति के संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि इस मेडिकल कैंप का उद्देश्य बर्सर विधानसभा क्षेत्र के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ देना है, जो पैसे न होने के कारण अपने स्वास्थ्य की जांच नहीं करवा सकते हैं। जानकारी देते हुए संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि कैंप के माध्यम से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है और कैंप का उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा करना है। इस चिकित्सा शिविर के दौरान लोगों ने हड्डी रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग व नेत्र रोग से संबंधित बीमारियों का चेकअप करवाया। इस शिविर में करीबन 2000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ये दीनदयाल अंत्योदय समिति है, बर्सर एरिया में काम करती है। इनका एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाते हैं हर वर्ष। तो इस कैंप में हार्ट पेशेंट्स, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, सभी प्रकार के जो डॉक्टर हैं वो रोगियों की जांच कर रहे हैं। तो मेरा तो फील्ड ऑर्थोपेडिक्स है, तो मैं फिलहाल हड्डियों के कमर दर्द, जोड़ों के दर्दों को चेक कर रहा हूं। और लगभग 150 के करीब इस कैंप में हम मरीजों को देख चुके हैं, जो लगभग सिर्फ हड्डियों और जोड़ों के मरीज थे। और 50-60 के करीब पर्चियाँ भी और हैं जो लाइन में लगे हैं लोग, और उनकी जाँच जारी है। लगाया गया है सभी के लिए, बहुत अच्छा है, जो जैसे गरीब हैं, दवाइयों के लिए सब अच्छा है। तो क्या मैम इस कैंप की क्या कोई फीस ले रहे हैं यहाँ कैंप में? नहीं, ये सबके लिए, जैसे गरीब है परिवार, दवाइयाँ जैसे नहीं ले सकते, फ्री में दवाइयाँ भी फ्री में है और चेकअप भी फ्री है। मैंने हड्डियों का अर्थ वाला।